कोयले को काले हीरे के नाम से भी जाना जाता है। और आखिर क्यों ना जाना जाए, कोयला भंडारों की खोज के बाद ही तो मनुष्य के विकास के एक नए काल का उदय हुआ है। रेलगाड़ियों से लेकर पावर प्लांट तक, विशालकाय औद्योगिक मशीनों से लेकर एक आम घर के चूल्हे तक, हमारा जीवन कोयले से मिलने वाली ऊर्जा पर ही निर्भर है। हजारों साल पुराने जैविक पदार्थों से बना यह काला हीरा राष्ट्र धरोहर है। भारत जैसी बड़ी आबादी वाले विकासशील देश के लिए तो ऊर्जा और भी जरूरी है, और हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश में प्राकृतिक वरदान के रूप में कोयले जैसा ऊर्जा संसाधन भी उपलब्ध है। पर सिर्फ कच्चे कोयले के भूतल में दबे होने से ऊर्जा नहीं मिलती, इसके औद्योगिक उपयोग के लिए पहले इसका अन्वेषण होता है, फिर अलग अलग तरीकों से इसका उत्खनन होता है और आवश्यकता तथा प्राथमिकता के अनुरूप इसका उपयोग किया जाता है। देश में बिजली, सीमेंट, स्टील, उर्वरक, कागज और ईंट इत्यादि के उत्पाद के लिए कोयले की आपूर्ति का एक अद्वितीय स्रोत है WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। WCL भारत सरकार के महारत्न सार्वजनिक उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में से एक है, जिसे मिनी रत्न का दर्जा हासिल है। कोयले के राष्ट्रीय उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 7% तक है। इसके तहत 81 खदानें हैं जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 10 क्षेत्रों में फैली हुई हैं। WCL सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मध्य भारत संतरा नगरी नागपुर में स्थित मुख्यालय वाली यह कंपनी CIL की फ्लैगशिप कंपनी है। WCL आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव और इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुख्यात है। विश्व भर में ऊर्जा उत्पादन से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव आज एक चर्चा का विषय है। कोयला खदानों के आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य और संतुलन पर असर पड़ता है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में तो यह विषय और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि यहाँ की आबादी ऐसी खान खदानों के इर्द गिर्द रहती है। भारत सरकार का भी यही लक्ष्य रहा है कि विकास सतत यानी सस्टेनेबल तौर पर हो और देश के नागरिकों को, परिस्थिति के तंत्र को इसका लाभ मिले। WCL प्रबंधन का भी यह महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। हर वर्ष अपने CSR और पर्यावरण संबंधी योजनाओं की सहायता से WCL सामाजिक कल्याण के लिए अग्रसर है। WCL और सरकार दोनों का ये सपना साकार हुआ कि इन्हीं खदानों को पर्यटन स्थल और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष में माइनिंग टूरिज्म यानी खनन पर्यटन की एक अनोखी और अद्भुत पहल शुरू की गई। इस पहल के पीछे की अवधारणा यह है कि खदानों को पर्यटकों के लिए आकर्षक, मनोहारी और पर्यावरण हितैषी बनाया जाए। आमतौर पर खदानों को प्रदूषण से भरी संकीर्ण सी जगह माना जाता है, परंतु उनमें कई अनोखी तकनीकों का इस्तेमाल भी होता है जो कि देखने और समझने में काफी रोचक है। खदानों के इतिहास में ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जिनका बच्चों और युवाओं की ज्ञान प्राप्ति और जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। विश्व भर में, खासकर यूरोप में, ऐसे कई माइनिंग पार्क मौजूद हैं जिन्हें देखने अक्सर पर्यटक और छात्र आते हैं। इसके साथ ही खदानों के लिए सुरक्षित अतिरिक्त जमीन का पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे वातावरण और प्राकृतिक संपदा दोनों को फायदा होता है और खदानों के आसपास धूल की समस्या का भी निवारण स्वतः ही हो जाता है। इन योजनाओं से कई अन्य लाभ भी हैं। इनसे जनसाधारण को रोजगार के अवसर मिलते हैं और सामाजिक तौर पर स्थानीय विकास की संभावनाओं से विविध द्वार खुलते हैं। खदानों के कई ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका उपयोग दोबारा हो सकता है, जैसे कि पानी, ईंटे बनाने के लिए मिट्टी एवं रेत इत्यादि।
इन उत्पादों को भी घर घर पहुंचाया जा सकता है। इससे होने वाला पर्यावरण संरक्षण तथा आर्थिक लाभ काफी महत्वपूर्ण है। इसी आलोक में WCL की टीम ने माइनिंग टूरिज्म और इससे संबंधित योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर इन्हें मूर्त रूप दिया। फिर क्या था, कंपनी प्रबंधन की कल्पनाशीलता और दूरदर्शिता ने जल्द ही रंग दिखाया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 मार्च 2016 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में WCL द्वारा बनाए गए देश के पहले और अनूठे इको माइन टूरिज्म सर्किट का विशेष उल्लेख किया। इको माइन टूरिज्म की शुरुआत 1 नवंबर 2015 से की गई थी। सावनेर भूमिगत माइन और गोंडेगांव ओपन कास्ट माइन और इको पार्क देश में पर्यटन के लिए अनूठे साबित हुए। इस पहल के तहत अप्रयुक्त भूमि का वन्य संरक्षण के लिए उपयोग किया गया और जनसाधारण पर्यावरण के प्रति जागरूक हों ऐसा वातावरण तैयार किया गया। माइन टूरिज्म के लिए WCL ने महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम यानी MTDC के साथ अनुबंध भी किया है। इस पहल को एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। भारत में इको माइन टूरिज्म की सफलता का प्रमाण यह है कि अब तक लगभग 86,000 पर्यटक यहां आ चुके हैं। देश के प्रमुख समाचार पत्रों में और वेबसाइटों पर इस पहल का जिक्र है। पर्यटकों और बच्चों में खदानों के इतिहास और विज्ञान को समझने के लिए खासा उत्साह दिखता है। WCL ने जन कल्याण के लिए और भी कई कदम उठाए हैं। खदानों से निकले पानी को सिंचाई और रोजमर्रा की जरूरतों तथा रिहायशी इलाकों में पीने योग्य पानी मुहैया कराने की कंपनी की सफल कोशिश के नतीजे काफी उत्साहजनक हैं। विवेकानंद नगर में जो फिल्टर प्लांट लगाया है वो WCL ने लगाया है। वहाँ से WCL से जो पानी आता है वो फिल्टर प्लांट में साफ करके टाके में चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के बाद पूरे नगर में वो पानी बांटे जाता है, तो पानी तो क्लियर आता है और साफ सुथरा आता है। तभी ये पहले तो पानी की समस्या थी, अभी ये WCL के पानी आने से, ये फिल्टर लगने से थोड़ा समस्या कम हो गई है। अब तक लाखों लोगों ने इस मुहिम का फायदा उठाया है। वर्ष 2017-18 में लक्ष्य ये है कि खदानों से निकलने वाले पानी का 100% वैकल्पिक उपयोग हो। इससे 41 अलग अलग परियोजनाओं के जरिए 1,69,000 स्थानीय लोगों को फायदा मिल सकेगा। ग्रामीण युवाओं को रोजगार संपन्न बनाने के लिए पिछले 3 वित्तीय वर्षों में WCL ने 4 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का गठन किया और CPAT, MSME, NSDC जैसे नामी गिरामी संस्थानों एवं लोकल ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ अनुबंध भी किया। पिछले 2.5 वर्षों में 8,085 महिलाओं और पुरुषों को ट्रेनिंग दी गई। इनमें से 60% लोग अब निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं और अन्य लोगों ने स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ाया है। पहले हाउसवाइफ थी, हाउसवाइफ के कारण मैं घर पे ही रहती थी, घर का ही सारा दिन घर का ही काम करती थी। फिर जब मैंने WCL स्किल डेवलपमेंट में अपना एडमिशन लिया, वहाँ से एजुकेशन प्राप्त किया, उसके बाद मैंने बाहर जॉब किया, जॉब के कारण मैं सेल्फ डिफेंड हो गई हूँ। अपना खुद का पर्सनल खर्चा मैं खुद उठा सकती हूँ। कंपनी ने बाजार भाव से सस्ती दर पर उच्चतम दर्जे की रेत और ईंटें उपलब्ध करवा कर जरूरतमंदों को घर मुहैया कराने की प्रधानमंत्री आवास योजना में भागीदार बनकर इस योजना को भी गति प्रदान की है। सैंड सेग्रीगेशन प्लांट के जो बाई प्रोडक्ट है मड, उसको हमने ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए यूज करते हैं। ये टीम WCL का इनोवेटिव कंसेप्ट है और ये पूरी तरह इन हाउस कंसेप्ट है। सैंड सेग्रीगेशन का जो बाई प्रोडक्ट है मड, उसे हम मिक्सिंग चैम्बर में खापरखेड़ा की फ्लाई एश के साथ मिक्स करके ब्रिक्स बनाते हैं और ये ब्रिक्स सरकार की जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के लिए प्रस्तावित किया जाता है। इस तरह से WCL ने अपने नेतृत्व और दूरदर्शिता से यह साबित कर दिया है कि देश का विकास और पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन
तथा पड़ोसी आबादी की खुशहाली के प्रयास साथ साथ सफलीभूत हो सकते हैं। WCL ने दुनिया भर की खदानों के लिए एक उम्दा उदाहरण पेश किया है, जो कि अन्य उद्योगों और कंपनियों के लिए आने वाले सालों में एक मिसाल साबित होगा।